स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं रिवेट्स। रिवेट्स क्या होते हैं हमारे? तो रिवेट्स, जब दो प्लेटों या अवयवों को रिवेटों की सहायता से स्थायी रूप से जोड़ते हैं। मतलब जब दो प्लेट हैं और इन, जैसे मान लिया एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेटों को हमें परमानेंट हमेशा के लिए फिक्स करना है, तो रिवेट की हेल्प से या वेल्डिंग की हेल्प से आप इसको फिक्स कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो। तो जैसे ये दो प्लेटों को आपको ज्वाइंट करना है, तो इनको आप क्या करोगे, परमानेंट फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए आप रिवेट की हेल्प से फिक्स करोगे। तो जब रिवेट की हेल्प से आप फिक्स करोगे, तो कुछ इस तरह से आपकी दो प्लेट्स हैं, इस तरह से दो प्लेट्स रखी हैं, तो इस पर क्या होगा, होल होगा इतने भाग में। तो जब ये होल होगा तो इसी पे रिवेट्स आएगा। ये जो रिवेट्स हमारा बना हुआ, तो रिवेट्स का ये हेड पार्ट है, ये इसका सैंक है, ये टेल है। तो ये हमारा हेड है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हेड की लंबाई है, और ये यहाँ से यहाँ तक एच इक्वल टू 0.7D, ये इसकी हाइट है। और ये डी जो आपको दिख रहा है, तो ये डी हमारा क्या है, डाया है। और ये जो हमारा रिवेट्स होते हैं, हम जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, इनकी आकृति हमेशा बेलनाकार होती है, जिसके एक सिरे पर शीर्ष, ये हमारा हेड है, फिर इसके मध्य भाग में सैंक होता है जो सिलेंड्रिकल होता है, और जो टेल होता है ये टेपर भाग में आता है, इसे पूंछ बोलते हैं, तो ये टेपर भाग में आता है। तो जब ये टेपर भाग में आएगा, तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो है 5 mm तक टेपर होता है, 2 से 2 to 5 mm टेपर भाग ये होता है, और ये सैंक डायामीटर है, खाली है, बिल्कुल सिलेंडर होगा। अब इसमें बात करते हैं कि रिवेट हमारे बने किस, कौन कौन से मेटल्स के होते हैं। जो धातु में बहुत मुलायम होती हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि जब हम इन प्लेटों के बीच में सेम होल होगा, इस तरह से दोनों प्लेटों में सेम होल है, फिर इसके बाद आपने रिवेट को लगाया, तो ये भाग ऊपर से लगाया, तो रिवेट का भाग हेड यहाँ तक आ गया, इस तरह से हेड, फिर इसके बाद इस तरह से आया। तो यहाँ पे जो टेपर भाग है, तो आप इसमें क्या करोगे, हैमरिंग करके हेड बना दोगे, तो ये यहाँ से फिक्स हो जाएगा, तो ये स्थाई हो जाएगा, तो ये स्थाई बंधन की तरह काम करेगा। आप लोगों ने चैनलों में देखा होगा कि रिवेट्स के थ्रू हमारे चैनल्स लगे होते हैं, तो अब ये रिवेट्स दो या दो से अधिक प्लेटों को ज्वाइंट करने के काम आते हैं। तो अब मेनली ये सॉफ्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि हैमरिंग करने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से यहाँ पे नीचे हेड बन जाए। अब बात करते हैं कि इसकी प्लेट जो होती है, प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर में है। यदि प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर में हो, तो डाया ऑफ रिवेट डी इक्वल टू 6√2 mm। इफ यदि थिकनेस ऑफ प्लेट इज टी इन सेंटीमीटर, यदि प्लेट की थिकनेस सेंटीमीटर में दी गई है, तब रिवेट का डाया क्या होगा, 1.91√t cm। ये आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में आपको कैसे पूछी गई है कि रिवेट की मोटाई क्या है, रिवेट की मोटाई मिलीमीटर में दी गई है कि सेंटीमीटर में दी गई है। यदि मिलीमीटर में दी गई है, तो डी इक्वल टू 6√tmm, और थिकनेस ऑफ प्लेट टी इन सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में दी गई है, तो डाया ऑफ रिवेट 1.91√t cm। तो ये तो बात हो गई रिवेट की, बेसिक रिवेट्स के। अब इसमें बात करते हैं रिवेट ज्वाइंट क्या होते हैं। तो अब जब रिवेट जॉइंट्स की बात करते हैं, तो देयर आर 2 types रिवेटेड जॉइंट, मतलब कि दो प्रकार के हमारे रिवेट जॉइंट होते हैं। पहला नंबर लैप जॉइंट, दूसरा नंबर बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 types के लैप जॉइंट होते हैं, और बट जॉइंट 2 types के बट जॉइंट होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं और कैसे वर्किंग होती है इनके। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब ये सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है, तो ये कैसे होगा, तो लैप कैसे होता है, तो लैप कुछ इस तरह से आपका होता है कि मतलब कुछ भाग, एक पार्ट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, तो दोनों प्लेटों का कुछ भाग एक दूसरे के ऊपर होगा, तभी लैप होगा, तो इसी को लैप जॉइंट बोलते हैं। तो ये सिंगल प्लेट है, सिंगल रिवेट है। तो मैंने मान लिया
तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ये इस तरह से एक प्लेट बनी हुई है, फिर इसी से दूसरी प्लेट इस तरह से बनी हुई है, तो ये हमारी कौन सी है, सिंगल रिवेट प्लेट है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से हमारे रिवेट्स इस तरह से लग जाएगा, तो ये हमारा सिंगल रिवेट लैप जॉइंट आ गया। अब बात करते हैं कि डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, तो जब डबल रिवेटेड लैप जॉइंट की बात होगी तो इस तरह से मैंने एक प्लेट बनाई, फिर यहाँ से एक दूसरी प्लेट बना ली, फिर यहाँ से इस तरह से दो रिवेट लगा दिए और दो रिवेट इस तरह से मैंने बना दिया इसको, तो ये क्या हो गई हमारी डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि डबल रिवेटेड लैप जॉइंट दो टाइप्स के होते हैं, डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। मतलब कि डबल रिवेटेड ये तो टॉप व्यू में दिखेगा, तो टॉप व्यू जब इसका बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने ये एक ब्लॉक बनाया और इस तरह से, अब ये डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट है, अब ये डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट है। तो चैन का मतलब क्या होता है कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जितनी डिस्टेंस आप स्टार्टिंग में लोगे उतने के पीछे पीछे चले जाएंगे। चैन का मतलब एक दो एक दो, सेम इस तरह से चैन लैप जॉइंट होता है। अब जिगजैग का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, तो इसे बोलते हैं जिगजैग। तो इस तरह से इसका बनेगा एक दो तीन चार, किसी तरह भी कहीं पर भी इसको आप लगा सकते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जिगजैग। अब ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट, तो अब जब ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट की बात हुई है तो इस तरह से मैंने एक प्लेट बनाया, दूसरी प्लेट इधर से बना दिया, एक दो तीन, तो इस तरह से इस पे भी तीन रिवेट लग गए। तो अब ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट, तो ट्रिपल रिवेट चैन लैप जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट। तो जैसे इसका टॉप व्यू होगा सेम इनके भी टॉप व्यू होंगे। अब बट जॉइंट की बात करते हैं, तो बट जॉइंट में क्या होता है, सिंगल कवर प्लेट, दूसरा डबल कवर प्लेट। तो अब ये हमारा जो सिंगल कवर प्लेट है तो वो इस तरह से बनेगा, मैंने मान लिया ये कोई प्लेट है और इसी से दूसरी प्लेट भी जॉइंट है। बट का मतलब आपको पता है कि जब दो इस तरह से जॉइंट करोगे, जैसे आपकी एग्जांपल में देखिए कि जब आपकी पतंग के बीच की जो वुड लगी हुई होती है वो ब्रेक हो जाती है, तो आप कुछ इस तरह से आप जॉइंट करते हो और एक इस तरह से एक अलग से वुड की प्लेट लगा देते हो, तो इसी और धागा बांध देते हो, तो इस सेम पोजीशन इस पे भी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि सिंगल कवर प्लेट, तो जैसे आपने एक तरफ से पतंग की डंडी पे आपने एक तरफ से दूसरी प्लेट लगाई हुई है, तो सेम इस पे भी इस तरह से सिंगल कवर प्लेट हो गई। अब डबल कवर प्लेट की बात की गई है तो ये तो बट जॉइंट हो गया, तो दोनों तरफ से कवर प्लेट लग जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। अब रिवेट इस पे एक लग जाएगा, तो एक रिवेट लगेगा इसमें, तो किस तरह से लगेगा, इस तरह से। अब इस पे क्या है कि डबल कवर प्लेट है, तो इसमें भी एक एक रिवेट लगेगा, एक रिवेट इधर एक रिवेट इधर लग जाएगा। अब इसके बाद बात आती है डबल रिवेटेड बट जॉइंट की, तो डबल रिवेटेड बट जॉइंट में क्या होगा, डबल रिवेटेड चैन सिंगल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेट है लेकिन सिंगल स्टेप बट जॉइंट ये है आपका, डबल रिवेट जिगजैग डबल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेट जिगजैग सिंगल स्टेप बट जॉइंट, डबल रिवेट चैन डबल रिवेट सेम है। तो अब इसके बाद ये तो थे हमारे बेसिक कितने टाइप्स के रिवेट्स होते हैं, आपने सबसे पहले देखा रिवेट्स किसे कहते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं कि आप रिवेटेड जॉइंट क्या होते हैं। रिवेटेड जॉइंट का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक प्लेटों को
परमानेंट हमेशा के लिए स्थायी बंधन के रूप में ज्वाइंट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रिवेट्स। अब रिवेटेड ज्वाइंट्स क्या होते हैं? रिवेटेड ज्वाइंट्स टू टाइप्स के होते हैं, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। और आपको पता है कि लैप ज्वाइंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ भाग ओवरलैप करेगा, उसे लैप ज्वाइंट कहते हैं। और बट ज्वाइंट दोनों के सरफेस इंड पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और फिर इसके ऊपर से आप क्या करोगे, इसके ऊपर से आप प्लेट लगाओगे। इस तरह से आप एक प्लेट लगा दोगे, तो प्लेट लगाने के बाद एक रिवेट इधर लगाओगे, एक रिवेट आप इधर लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। जब डबल कवर प्लेट की बात आएगी तो दूसरा कवर प्लेट इस तरह से आप इधर से लगा दोगे, तो इधर एक रिवेट इधर, और रिक्वायरमेंट हुई तो एक रिवेट इधर, एक रिवेट इधर, तो डबल रिवेटेड डबल कवर ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रिवेटेड ज्वाइंट्स। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन कि रिवेट ज्वाइंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आप सिंगल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट। मतलब कि आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के सेक्शनल व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के आपको सेक्शनल व्यू बनाना है। और क्या बोला है, सिंगल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट, मतलब सिंगल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सिंगल रिवेटेड चैन लैप ज्वाइंट क्या होता है, कि जो लैप ज्वाइंट का पहला ही पार्ट था वही है। तो सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट क्या होगा, इस तरह से आपका सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बनेगा। तो अब सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बनाना है, तो अब इसके लिए टेक डाया ऑफ रिवेट, तो डाया आपको कितना दिया गया है, 24 mm। तो जब डाया आपको 24 mm दिया गया है, तो अब इसके कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पैरामीटर्स पता है कि इसका डाया पता है तो इसकी थिकनेस निकल आएगी। अब ये डाया किस में दिया गया, तो डाया हमें किस में दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया है। तो डाया डी इक्वल टू गिवेन क्या क्या है, डी इक्वल टू 24 mm, डी इक्वल टू 24 mm, एंड तो टी कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 6√t। तो डी बाई 6√t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो डी अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी। डी की वैल्यू कितनी है, 24/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी, 6 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू 16 mm। प्लेट की थिकनेस हमारी कितनी आ गई, प्लेट की थिकनेस हमारी कितनी आ गई, 16 mm आ गई, प्लेट की थिकनेस हमारी 16 mm आ गई। तो जब अब हमारी प्लेट की थिकनेस 16 mm आ गई है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। फिर जो पैरामीटर्स मिलेंगे उनको हम बाद में बात करेंगे, तो बाद में बात करने के लिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, मैंने ये लाइन खींची, तो ये लाइन, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, तो ये लाइंस आप कितनी भी लंबी कर सकते हो, इसकी कोई लंबाई नहीं दी जाएगी, आपको अपने हिसाब से लेना होता है। तो अब इसके बाद इसकी थिकनेस हमें कितनी आई है, 16 mm। तो 16 mm का मैं मेजर कर लेता हूँ, ठीक है, तो 16 mm का इधर से भी मेजरमेंट करूँगा, और इस तरह से लाइन खींच दूंगा। अब इसके बाद मुझे, मैंने मान लिया कि यहाँ से मुझे इसका ओवरलैप कराना है इस पॉइंट से, तो जब इस पॉइंट से मुझे इसका ओवरलैप कराना है, तो ओवरलैप कराने के लिए हमें एक मार्जिन लेना होता है, मार्जिन m इक्वल टू 1.5d।
डी, तो डी हमारा कितना दिया गया है 1.5 डी, तो डी हमें कितना दिया गया है 24 mm, तो कितना आ जाएगा 36 mm, 30 मार्जिन हमारा निकल के आ गया 36 mm। तो जब मार्जिन हमारा 36 mm आ गया तो ये सेंटर है हमारा, ये क्या है हमारा सेंटर, तो सेंटर से 1.5 डी इधर, 1.5 डी इधर, तो सेंटर से 1.5 डी इधर, 1.5 डी इधर, तो कितना आएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 36, यहाँ से यहाँ 36, यहाँ से यहाँ पर 36, तो इतना जब हमने कर लिया है तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि 36, तो मार्जिन हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से अब 36 mm नीचे, 16 mm की थिकनेस जो थी हमारी वो हम नीचे आएंगे, तो ये मैंने 36 mm ले ली। अब इस लाइन को मैंने इंक्रीज किया, और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। मिलाने के बाद अब ये लाइन जो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सेंटर तक चाहिए इसके। 36 mm हमें कहाँ मिला था, इस पॉइंट पे, तो हमने क्या किया यहाँ तक ले लिया प्लेट को, और एक प्लेट को हमने हटा दिया इस तरह से, इस तरह से हमने इस प्लेट को जब कर दिया, तो अब हमारी दो प्लेटें हो गई और दोनों ओवरलैप पे हैं, तो दोनों ओवरलैप पे जब आ गई हैं तो ये प्लेट का सेंटर है, तो सेंटर से हम क्या करेंगे अब इसको, सेंटर से अब हम क्या करेंगे इसको एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। अब इस पे हमें बनाना है रिवेट, ये मैंने क्या किया एक सेंटर लाइन रेफरेंस लाइन खींच ली। अब रेफरेंस लाइन के बाद हमें डाया कितना दिया गया है, डाया हमें कितना दिया गया, डाया हमें रिवेट का डाया 12 mm दिया गया, तो डाया 12 mm दिया गया है, तो सेंटर से 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, तो अब इनको क्या करोगे मैच करा दोगे, इस तरह से मैच करा दोगे। मैच कराने के बाद अभी मैंने जब रिवेट का हेड बताया था तो उसमें कुछ और भी बताया था, तो यल इक्वल टू हमने हमें कितना होता है 1.6 डी, 1.6 डी, तो जब आप 1.6 डी में इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 1.6 डी में इसका मल्टीप्लाई करो 1.6 × 24, तो कितना आएगा 38.4 mm। फिर इसके बाद इसकी हाइट होती है यच इक्वल टू 0.7 डी, यच इक्वल टू 0.7 डी, तो कितना आएगा 16.8 mm, 16.8 mm। तो अब इसको बनाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये भाग कुछ हमारा टेपर होता इस तरह से, ये इस तरह से, तो अब इसको हमें दिखाना है टेपर भाग, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 mm, 2 mm इधर, 2 mm इधर, और इस तरह से कार्नर पॉइंट से लाइंस को मिला देंगे, या आप 10 डिग्री के एंगल पे भी ले सकते हो, ये एंगल हमारा 10 डिग्री का होता है, तो और इन लाइंस को फिर हम हटा देंगे, तो यहाँ से
यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1.5D, और फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1.5D, ये हमारा सेंटर पे आ रहा है। तो जब सेंटर पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद इसकी डाया भी बना लिया, अब इसके बाद हमें इसमें बनाना क्या है, हेड बनाना है। ये हेड बनाना है, दोनों रिविट के हेड्स बनाने। तो हेड्स बनाने के लिए हमें लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है, 38.4 mm। तो 38.4 mm का हाफ करोगे तो 19.2 mm आएगा, 19.2 mm। तो ये हमारी सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर से 19.2 लेफ्ट में, 19.2 राइट में। ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से हमने ले लिया। अब इसके बाद हमें हाइट दी गई है कितनी, 0.7D, मतलब 16.8 mm। तो अप्रॉक्स में हम इसको 17 mm ले लेंगे। ऊपर भी नीचे भी इस तरह से ले लिया। अब हमें इस पर क्या करना है, आर्क लगाना। तो आर्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से ये जो हमारी यल लंबाई थी, तो ये यल बाई टू को हाफ ले लेंगे। यहाँ से इस तरह से हाफ लिया, हाफ लेने के बाद हाइट पे गए और इस रेफरेंस लाइन पे कट किया। कट करने के बाद जहाँ पे कटिंग पॉइंट मिला, तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि अपनी प्रकार की नोक इस तरह से रखी और फिर यहाँ से एक इस तरह से आर्क लगा दिया। इधर भी और इधर भी, यहाँ से भी मैंने क्या किया, एक इस तरह से आर्क लगाया और दोनों पॉइंटों से इस तरह से हमने बना दिया। क्या इस तरह से ये हमारा रिविट बन गया। तो अब हम इसमें डायमेंशन शो करा देते हैं कि यहां से यहां तक कितना है, h इक्वल टू 0.7D। ये हमारा क्या है, d, यहां से यहां से यहां तक यल इक्वल टू 1.6D। सेम पोर्शन नीचे भी है। अब इस पे हमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी। इस भाग को आप हटा दोगे, इस भाग को आप रफ कर दोगे, और या तो एंगल इसका लेना है तो एंगल इसका 10 degree होता। अब इसकी किस सेक्शनिंग करोगे, इस तरह से आप इसकी सेक्शनिंग करोगे। अब इसकी में जो सेक्शनिंग किया है तो इसके अपोजिट करोगे, क्योंकि इस पे किनारों पे UDL लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
इस तरह से मैंने इसकी सेक्शनिंग कर दी। अब सेक्शनिंग करने के बाद ये या तो हमारा फ्रंट व्यू बन गया है। अब इसके बाद इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए यहाँ से हमने एक लाइन इस तरह से खींच दी। लाइन खींचने के बाद यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस ले लिए इस तरह से, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लिया। फिर इसके बाद इस पॉइंट से भी प्रोजेक्शन ले लिया, यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले लिया और एंड पॉइंट से भी प्रोजेक्शन ले लिया। और ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन है, तो इसका भी रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो जब इतना हमने काम कर लिया है तो अब हमें क्या करना है कि अब इस पर इसका टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप से जब आप देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देंगे, लेकिन इसमें चैन की बात हुई है, तो चैन कुछ आपकी इस तरह से बनती है, चली जाती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी जितनी है, फिर दूसरे से तीसरे के बीच भी उतनी होगी। तो जैसे आपकी साइकिल की चैन होती है और उसमें जैसे साइकिल की चैन बनी होती है, सेम चैन ये भी होती है। तो अब इसके लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5D का मार्जिंग लेंगे। कितने लेंगे फिर, 1.5D का। तो ये मैंने यहाँ तक मार्जिन ले लिया, तो अब इसका ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी लंबाई है सेंटर से इसके बीच की दूरी लेंगे। दूरी लेने के बाद एक सर्कल बना देंगे इस तरह से, फिर इसके बाद इसका अंदर का डाया हमें कितना दिया गया है, 24 mm, तो रेडियस हमारी 12 mm आ जाएगी। इस तरह से ये हिडन सर्कल आप बना दोगे। इस तरह से आपने हिडन सर्कल बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया कि जब ये हमारा हिडन सर्कल बन गया, तो अब इसके बाद जब आपको इसके बाद दूसरा सर्कल बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पिच बोलते हैं, P=3D। यहाँ से इस लाइन तक क्या है, मार्जिन M=1.5D। और ये यहाँ से यहाँ तक जब दूसरा सर्कल बनाओगे तो क्या आएगा, दूसरा सर्कल जब बनाओगे तो P=3D, चाहे लैप जॉइंट हो चाहे बट जॉइंट हो। अब इसके बाद जब यहाँ पे सर्कल बनेगा, फिर इसके बाद इसकी इस तरह से आपको पैकिंग करनी है। तो जब पैकिंग करनी है तो पैकिंग करने के लिए आप क्या करोगे, ये सारी लाइंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। जब आपको पैकिंग करनी है तो पैकिंग करने के लिए इस यहाँ पे मैंने मान लिया आपका एक सर्कल आया, तो यहाँ से M=1.5D लोगे, तब इसकी पैकिंग आप करोगे। तो इस तरह से आपका रिवेट ज्वाइंट कंप्लीट होता है। अब इसमें क्या, यहाँ से यहाँ तक की 1.5D दूरी है, इस सर्कल का डाया आपका कितना है, 1.6D, और फिर इस सर्कल का डाया आपका कितना है, डी।